मैकलमन स्ट्राइक फाइन लेग की तरफ पुश किया, ये जाएगा गैप में चौक के लिए। पहला चौका मैकलम के बल्ले से। न्यूजीलैंड 72 पे 3 विकेट्स डाउन, ये शॉट परफेक्टली सिर्फ टाइम के और चौके के लिए भेज दिया। वाह व्हाट अ शॉट, टाइम के क्राउड में भेज दिया 6 रन के लिए। शॉट पिक किया इस शॉट को, मिड ऑन के ऊपर से भेज दिया टाइमिंग के साथ 6 रन। एक छक्का इस ओवर में आ चुका, व्हाट अ शॉट, घसीट के मारा भाई 6 रन के लिए बैक टू बैक सिक्सेस। मैकुलमन 46 है, शॉट लगा, टाइमिंग कितना बेहतरीन है, गैप में जाएगा चौके के साथ अपना 50 रन पूरा करते हुए। सिलार टू मैकलम, ये लगाया स्वीप, फिर से टाइमिंग परफेक्ट, इस शॉट पे जाएगा 6 रन के लिए। लास्ट बॉल ऑफ द ओवर, लेग साइड की तरफ फ्लिक किया परफेक्टली टाइम, लेकिन सीधा फील्डर के अंदर सिंगल ही मिलेगा। इस ओवर का पहले ही बॉल से छक्के की शुरुआत, ओ भाई साहब जबरदस्ती बॉल, प्ले एंड मिस। ओवर का शुरुआत जबरदस्त बॉल के साथ, लेकिन इस बॉल को पिक किया और 6 रन के लिए भेज दिया पॉइंट के ऊपर से। इस बॉल पे बाउंड्री आ सकता है, जी हाँ आएगा बाउंड्री, जबरदस्त शॉट फील्डर के सर के ऊपर से चौके के लिए। इस ओवर का आखिरी बॉल, ये गैप में पुश किया, शॉट जाएगा गैप में चौके के लिए, जबरदस्त शॉट। फाइनल 4 ओवर साहब, रिक्स लेना, ओ भाई साहब बॉडी पे हिट किया सीधे, भाई साहब ये क्या बॉल, फिर से ओ भाई, दो लगातार बॉल पे प्ले एंड मिस। जीत के लिए चाहिए मात्र 9 रन, ये फाइन लेग के ऊपर से शॉट लगा, टाइमिंग कितना बेहतर, 4 रन चला जाए, इतना बेहतर तो टाइमिंग है शॉट में, जबरदस्त है शॉट। ओ भाई साहब पिक किया ये शॉट, फ्लिक टाइमिंग परफेक्ट, इस शॉट में 6 रन, छक्के के साथ मैच को खत्म कर दिया फायरी बैटिंग फ्रॉम ब्रैंडन मैकलम, इसी के साथ चैलेंज कंप्लीट होते हुए। सो गाइस वीडियो अब तक देख ले तो भाई लाइक करना बिल्कुल ही मत भूलना, इस तरह का और भी कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे कर लो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।